So, I am going to start 18th lecture of electrostatic chapter for class 12. So, application of Gauss law number 1. There are so many applications. The ek number mein hai aapka to calculate electric field due to infinite long uniformly charged wire. जैसे मान लेते हैं कि एक वायर है, वायर में पॉजिटिव चार्ज है, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पर्सनल लॉ, इसमें गॉस लॉ। तो मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड का डायरेक्शन एक्सटर्नल होगा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही डायरेक्शन में ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म चाहिए होगा, लिनियर चार्ज डेंसिटी अल्फा, सॉरी लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड बाय एल, लेंथ का, सॉरी वायर का लेंथ मान लेते एल है, एल। अभी हम लोग क्या करना है, एक डिस्टेंस में मान लेते कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो डिस्टेंस लेके एक गॉसियन सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस। एंड हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि दैट शुड बी सिमेट्रिक, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मीन्स एट एवरीवेयर ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, और वो आर डिस्टेंस में अगर दोनों साइड लेकर अगर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो विल गेट ए सिलेंडर, विल गेट ए सिलेंडर, इसका रेडियस होगा ये लेंथ होगा आर, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या मिला है, सरफेस क्या मिला है, सिलेंडर, तो इसका यहाँ पे डायग्राम। तो सिलेंडर का ना तीन सरफेस है, ये तो एक सरफेस हो गया, इसका सरफेस का हम लोग नाम दे दिया वन, नीचे का एक सरफेस होगा इसका नाम दे दिया टू। तो फील्ड तो ऐसा हो रहा है एक्स एक्सिस में, तो इसमें जो एरिया वेक्टर होगा ये ऊपर जाएगा डी ए, नीचे का भी एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे जाएगा डी ए, एंड सरफेस में आपका परपेंडिकुलर जैसा डी ए होगा। अब देखो सरफेस को हम लोग थ्री माना है, कर्व सरफेस को थ्री माना है, तो कर्व सरफेस में खाली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, बाकी यहाँ पे फील्ड एंड एरिया वेक्टर का बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। पहले तो हम लोग सिलेंडर का, एक सिलेंडर का, सिलेंडर के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो तो हम लोग को मालूम है, दैट इज फाई इज इक्वल टू व्हाट, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज इनसाइड द एप्सिलॉन नॉट, हम लोग गॉस लॉ से ये तो मालूम है ना, किसी भी क्लोज सरफेस का अंदर अगर क्यू चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हम लोग एक लाइन लिख लिया सेपरेटली रख दे रहे, तो गॉस अभी तीनों सरफेस का हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेपरेटली निकालते हैं, टोटल फाइव टी, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, ऑलरेडी ये सरफेस और ये सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर में है, सिर्फ इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और एक मैं बताया कि एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये तो सब में आ जाएगा, तो डी ए कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, टू पाई आर एल। सो ये जो टोटल ना यहाँ से लिखा है फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई टू पाई आर एल, और ऑलरेडी हम लोग मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एल, चार्ज टोटल चार्ज बाय लेंथ, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो क्यू इनसाइड क्या होगा, लैम्डा इनटू एल, तो यहां पे हम लोग क्या पुट किया, लैम्डा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट टू पाई आर एल, तो एल एल कैंसिल, तो ई वुड बी व्हाट, लैम्डा बाय टू पाई आर। तो यहां से भी पता चल रहा है, देखो लैम्डा तो कांस्टेंट है, टू पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब है हम लोग जो वायर था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था उससे जितना दूर जाएंगे ना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। हाँ,
हर एक लेक्चर का जो इनिशियल पार्ट होता है, मेन इनिशियल पार्ट, वो बोर्ड के लिए है, और धीरे 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 हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एंट्रेंस लेवल में जाने के लिए। तो हर एक लेक्चर पे इनिशियली ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बोर्ड में नहीं पूछता है बट एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। एक होमवर्क करो, IIT 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। अभी जो केस बताया ना, इनफाइनाइट वायर के लिए जो फिल कैसे निकालते हैं, सो उसको अप्लाई करना है। सो एक्स वाई जेड तीन एक्सेस है, दिस इज वन ऑफ द इनफाइनाइट वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, सॉरी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। अभी यहाँ पे एक प्लेन है ABCD रेक्टेंगुलर प्लेट, दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज एल, और ये जो डिस्टेंस है ये ऑरिजिन में है एक्चुअली, हाँ ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये √3a/2। तो आपको क्या निकालना है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लिनियर चार्ज थ्रो ABCD इज लैम्डा एल बाय एन एप्सिलॉन नॉट, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ट्राई करो, ट्राई करके भेजने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तो मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। नंबर वन, एक्चुअली दिस इज नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर इज अ केस वन, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तीनों का सेम होगा, क्यों सेम होगा ना। पहला सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, जैसे एक सिलेंडर है सॉलिड है और कंडक्टिंग है, चार्ज है अंदर, चार्ज है तो चार्ज तो हमेशा सरफेस में रहेगा, रिपल होके कहाँ पे रहेगा, सरफेस में रहेगा। और होलो कंडक्टिंग सिलेंडर में भी चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सरफेस में रहेगा, क्योंकि अंदर में तो कुछ है ही नहीं। और थर्ड में होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग होने से भी आपको सरफेस में चार्ज रहेगा। ये तीनों का केस क्या होगा, सेम होगा, तीनों में चार्ज रिसाइड ऑन व्हाट, सरफेस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ना सरफेस में चार्ज है तो मैंने एक न्यू टर्म लूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया होगा, चार्ज बाय एरिया, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो रेडियस होगा दैट इज कैपिटल आर, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एरिया, सरफेस में चार्ज है, सरफेस में चार्ज है, जिस तरह कर्व सरफेस होगा उसमें चार्ज होगा। तो इसमें दो केस होगा, एक होगा इनसाइड, इनसाइड द सिलेंडर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ एक्सिस सच दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर होके पूरा सिलेंडर का रेडियस, और छोटा सा मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से छोटा सा डिस्टेंस लेके स्मॉल आर लेके और एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है, और एक सिलेंडर बना दिया, एक छोटा सिलेंडर। अभी इसके लिए टोटल फ्लक्स तीन सरफेस से, ये सरफेस हो, एक सरफेस हो और थर्ड हो गया कर्व सरफेस, तो सरफेस वन सरफेस टू ये कर्व सरफेस के लिए। तो ये तो 90 डिग्री में होता है, पहले बताया था, बार बार नहीं बताऊंगा, ये भी 90 डिग्री जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसके लिए होगा, इसके लिए फील्ड फ्लक्स होगा। तो इसके लिए फील्ड फ्लक्स कितना होगा, तो जो फील्ड इनटू क्या होगा आपका कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrL। और फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो टोटल चार्ज तो सरफेस में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल चार्ज तो सरफेस में है, तो अंदर में कितना चार्ज है, जीरो है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस, आपका सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी केस नंबर टू, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब आर एस कैपिट ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब रेडियस से दूर में है, बाहर में है। सो डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ, जैसे ये ओरिजिनल सिलेंडर था, सरफेस में चार्ज है, सरफेस में चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल आर, लेंथ एल, एल से हमको तो मतलब नहीं है, हमको ये कैपिटल आर से मतलब है। अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से डिस्टेंस ले लिया आउटसाइड में, कोई पॉइंट ले लिया आर, उस पॉइंट लेकर और एक सिलेंडर बना दिया।
तो अभी बड़ा वाला सिलेंडर के लिए हाँ, जिसका रेडियस है स्मॉलर, बड़ा बड़ा सिलेंडर के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 पर 0 होगा, ये सरफेस में एरिया वेक्टर इधर जाएगा, सरफेस एरिया वेक्टर इधर रहेगा। सो ये के लिए इसका फ्लक्स कितना होगा, E2πr, ये r होगा, ये सिलेंडर का बात कर रहे हैं l। सो फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये तो इतना ही होगा। अभी हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखा है, क्यू इनसाइड, अभी ये जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय क्या होगा, सरफेस चार्ज टोटल पाई एरिया, ना एरिया होगा कर्व एरिया, कौन सा सिलेंडर का होगा। अब देखो चार्ज लेकिन इस सिलेंडर में है, इस सिलेंडर का सरफेस में है, तो इस सिलेंडर का आपका सरफेस एरिया होगा, तो सरफेस एरिया कितना होगा, 2πRL। यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का, यहाँ पे कैपिटल आर होगा, तो यहाँ पे क्यू इज गुड क्या होगा, सिग्मा 2πRL। सो सिग्मा 2πRL बाय एप्सिलॉन नॉट। सो 2π 2π कैंसिल, LL कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा, ये सिग्मा है हाँ, सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे तो कैपिटल R तो कांस्टेंट है पार्टिकुलर सिलेंडर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसका मतलब है आउटसाइड में, अब सिलेंडर से जैसे जैसे दूर चला जाता है, दूर जाने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। ग्राफ को देख लेते हैं, जैसे सिलेंडर है आपका, ये हो गया सिलेंडर का रेडियस, हम लोगों को पता है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर व होलो कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का अंदर में कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ चार्ज है सरफेस में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्सेस डिस्टेंस जीरो है। सडनली सरफेस पे चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला बताया ना, इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब देखो सरफेस में आपका कैपिटल, ये स्मॉल आर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, धीरे धीरे आपका फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक फील्ड नहीं है, जीरो। जैसे सरफेस मिलेगा सडनली फील्ड ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। सो नंबर 3 इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। पहला तो मैंने, और एक बात है, आपका जो इनफाइनाइट वायर है और सिलेंडर है ऑलमोस्ट सेम है, सिलेंडर में आपका कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग का केस क्या था, सेम था, सेकंड केस में बताया था, थर्ड केस क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, मतलब सॉलिड है पूरा बॉडी में चार्ज होगा, मूव नहीं कर सकते, नॉन कंडक्टिंग है पूरा बॉडी में क्या है, चार्ज है। तो इस तरह दो केस आए हाँ, इस केस में हम लोग, अब देखो प्रीवियस केस में था क्या, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला गया था, सरफेस में चला गया था, तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया था। अभी तो पूरा सिलेंडर का अंदर आपको क्या होगा, चार्ज होगा, तो वॉल्यूम चाहिए होगा हम लोग। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम। सो इसमें भी दो केस होगा, इनसाइड, इनसाइड मतलब क्या है, स्मॉल आर लेस देन आर कैपिटल आर, तो ये वाला छोटा वाला सिलेंडर, इसमें तीन फेस होगा, ठीक है, तीन फेस होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 5 1 5 2 5 3, ऑलरेडी मालूम है 5 1 5 2 जीरो है क्योंकि वो परपेंडिकुलर में है। सो इसके लिए क्या होगा, E2πRL, हाँ, एक छोटा सा रेडियस वाला लिया, तो ये तो आपको निकालना प्रीवियस जैसे है, खाली यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। अभी गॉस लॉ से क्या है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर वाला जो सिलेंडर है उसमें भी चार्ज होगा, अंदर वाला जो सिलेंडर है उसमें भी चार्ज होगा, तो उसमें हम लोग क्या लेना पड़ेगा, देखिए सरफेस में नहीं पूरा सिलेंडर का अंदर चार्ज है, तो हम लोग ये वाला लेना होगा, जैसे यहाँ पे देखो क्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम, सो हम लोग क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल,
सब क्या लिखा है यहाँ पे, रो पाई आर स्क्वायर इन 12, छोटा सा सिलेंडर का रेडियस लिया बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इतना है, तो एल आर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, रो आर, सॉल्व करने से क्या मिलेगा, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे देखो रो कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, यानी इनसाइड में ना, इसका मतलब है आप जितना जितना ज़्यादा जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आउटसाइड में, आउटसाइड में बाहर में लेके, बाहर में लेके कोई एक सिलेंडर बना दो, नहीं बनाने से भी होगा तो समझ में आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5 1 5 2 5 3 5 1 5 2 तो जीरो है, ऊपर में नीचे जीरो हो जाएगा। सो इसके लिए क्या होगा, 2 पाई आर एल, ठीक है, बाहर में लिया है तो बाहर में रेडियस है आर। अभी क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। सो क्यू इनसाइड का जगह हम लोग चार्ज का जगह क्या ले सकते, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम सो रो। अभी वॉल्यूम कौन सा लेना है, बाहर वाला केस लेना, ये था ओरिजिनल सिलेंडर, पूरा बॉडी में चार्ज है, पूरा बॉडी में चार्ज है, इसका रेडियस है कितना, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ से डिस्टेंस लेके एक दूसरा सिलेंडर हम लोग बनाया था, तो उस ये वाला आर ये वाला है, बट चार्ज तो ये वाला सिलेंडर में है, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इस इच सिलेंडर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सो कैलकुलेट पे क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू रो, रो आर स्क्वायर बाय 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पे भी कैपिटल आर कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, इसका मतलब बाहर में, बाहर में